दोस्तों हाल ही में हमने हाइपरवर्स से जुड़ी एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें हमने कल्पेश पटेल की एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें वो सभी लोगों से थोड़ा और सब्र करने के लिए बोल रहे थे। आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो पहले ही देख लिया था, इसीलिए हमें काफी सारे कमेंट्स इस बात को लेकर आए कि सर ये वीडियो तो पहले आ चुका है, आप हमें लेट दिखा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, हम आपको बता दें कि रोज हाइपरवर्स से जुड़ी कई वीडियोस YouTube पर पब्लिश की जाती हैं, जिनमें से 99% वो लोग होते हैं जो रोज सुबह से शाम तक हाइपरवर्स की एक छोटी और अनवेरिफाइड न्यूज को बार बार अलग अलग तरह से लोगों को बताते रहते हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज गेन करना होता है, चाहे वो जानकारी आधी हो, गलत हो या सच हो या झूठ हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों हम आपके पास कोई भी अपडेट तभी लेकर आते हैं जब वो पूरी तरह से वेरीफाई होती है। जैसे कि हाल ही में खबर आई कि कल्पेश पटेल ने हाइपरवर्स को छोड़ दिया, लेकिन वहीं कुछ न्यूज ऐसी भी आई जिसमें इसे गलत बताया जा रहा था। इसीलिए आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, जबकि वो खुद नहीं जानते कि खबर असली है या फिर नहीं है। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपडेट्स टाइम टू टाइम दे रहे हैं और सही भी दे रहे हैं। उनका भी वही मोटिव है जो हमारा है कि आप लोगों तक कोई गलत खबर ना पहुंचे। आप हम पर भरोसा करते हैं, इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम आप तक सही खबर पहुंचाएं, और इसीलिए कई बार खबर को वेरीफाई करने में टाइम लगता है, और यही हुआ हमारे लास्ट वीडियो में। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप हम पर भरोसा बनाए रखिए। अगर कोई भी ऐसी अपडेट आएगी जिसमें हमें लगेगा कि वो आप लोगों को पता होना जरूरी है, तो हम आपसे जल्द से जल्द शेयर करेंगे उसे वेरीफाई करने के बाद। जी हाँ, जैसे कि आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो सीधे आ रही है MOF के CMO की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीधे MOF के CMO की तरफ से हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके एग्जैक्टली वही बताएंगे जो वो अपने वीडियो में बोल रहे हैं। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि हाइपरवर्स के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है और कंपनी किस कॉन्सेप्ट पर क्या क्या काम कर रही है। हो सकता है कि आज का ये वीडियो हाइपरवर्स को लेके आपके काफी सारे कंफ्यूजन्स को थोड़ा कम कर देगा। बाकी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हम है ना, टेंशन की क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए ध्रुणल मेहता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या, तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या बोल रहे हैं MOF के CMO। अरे अरे अरे, अरे जरा रुकिए, तो एक जरूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, और दूसरा इस तरह की अपडेट्स को वेरीफाई करके वीडियो बनाने और फिर उसको आप तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है यार। इसीलिए हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए सही अपडेट्स जल्द से जल्द लाते रहें। तो चलिए अब सुनते हैं क्या बोल रहे हैं MOF के CMO। नमस्कार दोस्तों, मैं MOF का CMO ग्रेग आपका MOF के आने वाले शानदार भविष्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिर्फ कुछ सालों की बात है जब बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सीखा, और दोनों में फर्क करने के बाद डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को मौका दिया। मेरा मानना है कि आपका और मेरा पैसा बहुत कीमती है, जिसकी बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी बैंक या सरकारों के हाथ में। अब ब्लॉकचेन के थ्रू हम किसी भी जगह किसी भी तरह का निवेश पलक झपकते ही कर सकते हैं, और यही वजह है कि धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का मूल्य घटता जा रहा है, और वहीं डिजिटल दुनिया में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की संपत्तियां फलती फूलती जा रही हैं। इसी बीच मुझे लगता है कि हमारे भविष्य का निर्माण उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो मानव जाति को जल्द से जल्द एक नए युग की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसे आज आप और मैं मेटावर्स के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ एक फायदा यह भी हुआ है कि धीरे धीरे निवेश करने से कई नए तरीके आज हम लोगों के सामने आए हैं, और उसी निवेश में आज MOF अपना नाम कमा रहा है। दरअसल MOF की टीम एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है
जो आज डिजिटल हेजिंग और क्रिप्टो आर्बिट्राज क्राउड फंडिंग के विषय में एक्सपर्टीज रखते हैं। हाल ही में हमारी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसका नाम है हाइपर नेशन। ये पार्टनरशिप बेहद जरूरी थी क्योंकि दोनों ही आपस में भविष्य को लेके एक जैसे गोल रखते हैं और अब एक साथ उनको अचीव करने के लिए भी तैयार हैं। हाइपर नेशन के साथ हम एक खुली और विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में दुनिया को लाभ पहुंचा सकती है। मुझे कहना होगा कि मैं एक वक्त अकेला दुनिया बदलने के इरादे से निकल पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे विश्वास हुआ कि ब्लॉकचेन पर एक सही टीम के साथ काम करके एक बेहद ही अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हाइपर नेशन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर बेस्ड एक सही कदम उठा रहा है और साथ ही वो यूटोपिया को बनाने की दिशा में सही दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच MOF कहां आता है? दरअसल हाइपर नेशन के पास एक बेहद यूनिक अर्निंग मॉडल है जिसमें हर इन्वेस्टर मंथली एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। ये मॉडल MOF के डेली डिविडेंड मॉडल से काफी हद तक मिलता जुलता है जो हमारी इस पार्टनरशिप के बाद आने वाले वक्त में हाइपर नेशन के इन्वेस्टर्स को भी एक बड़ा फायदा देने वाला है। हमें पूरा यकीन है कि हाइपर नेशन और उसकी सारी हाइपर यूनिट्स लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कमिटेड हैं। आप लोग भी ध्यान दें कि हाइपर नेशन भी एक ज्ञान केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है जो कि विकास की खेती करना चाहता है और इसका मेन मोटिव ब्लॉकचेन तकनीक का प्रचार प्रसार करना और मानव जाति को डिजिटली आगे बढ़ाना है और यही सिद्धांत पर MOF की टीम भी काम करती है। MOF ने जो मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है वो ये सुनिश्चित करेगा कि अब से हाइबर नेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर्स द्वारा सपोर्ट किया जाएगा और इसी तर्ज पर हाइपर नेशन के इन्वेस्टर भी इसी तरह के इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे जिसमें डिजिटल मार्केट के सॉफ्टवेयर, डेटा इंटीग्रेशन, मार्केट ट्रेंड्स और इंफॉर्मेशन कलेक्शन जैसी यूनिट्स का मेन रोल होगा। MOF की टीम भी ये सुनिश्चित करेगी कि नए नए अपडेट्स और टेक्नोलॉजी में आ रहे बदलाव की वजह से इन्वेस्टर्स को खासी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाल ही में हाइपर नेशन को लेकर दुनिया भर में भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन आप जाकर देखिए, इनसे जुड़कर देखिए, आपको अपने आने वाले की झलक दिखाई दे जाएगी। कंपनी NFT और माइनिंग जैसे फीचर को ला चुकी है, उनको समझिए और आपस में बात करिए। हाइपर नेशन ने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता रखी है। उन्होंने भले ही प्रॉफिट में कुछ कमी की हो, लेकिन उसकी वजह कंपनी की क्वालिटी और मोरल वैल्यू को बनाए रखना रहा है। जरूरी बदलाव आने वाले फ्यूचर कॉन्सेप्ट के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही हाइबर नेशन के साथ हमारी साझेदारी की ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम जल्दी से जल्दी इकोसिस्टम में संभावना तलाश कर उन पर काम कर रहे हैं और एक दूसरे का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हाइबर नेशन के तरह ही हम और पार्टनर भी तलाश कर रहे हैं जो हमारे जैसी क्रांतिकारी सोच और दुनिया को बदल देने का जुनून रखते हों। मेरा नाम है ग्रेग। मैं आपको आने वाले सुनहरे भविष्य की बधाई देता हूं। आप जहां भी हों खुश रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे MOF के CMO मिस्टर ग्रेग, जो बता रहे थे कि हाइपर नेशन और उससे जुड़ी सारी यूनिट्स जैसे हाइपरवर्स, हाइपरगर्ट, हाइपर टाइम पर उनको कितना भरोसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि MOF और हाइपर नेशन की टीम आपस में काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिसर्च। हाइपरवर्स से जुड़ी हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए जल्द से जल्द लाते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही जल्द हम वहां एक गिव अवे स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए अभी जाके उसे ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमसे और जारी रखिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ।